दोस्तों जरा सोचिए, आज के ज़माने में जहाँ रोड ना हो वहाँ तरक्की कैसे हो सकती है। जिस इलाके में रोड ना हो उसे पिछड़ा हुआ इलाका कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोज़गार के साधन नहीं होते और रोज़गार वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज ज़्यादा होते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा ही था बुंदेलखंड रीजन, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आता है, जहाँ का इलाका भी पिछड़ा हुआ भारत का इलाका माना जाता है। वजह वही, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोडवेज का ज़्यादा नहीं होना। इस इलाके के लोगों को दिल्ली जाने के लिए 700 किलोमीटर्स का रूट तय करना पड़ता था, जो कि 12 से 14 घंटे लग जाते थे। इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय लिया, जिसका नाम था बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जिसकी इनॉगरेशन पीएम मोदी ने फरवरी 2020 में करी और इसका टारगेट रखा गया था 2023 को इसको बनके तैयार होना था, इसकी डेडलाइन थी। लेकिन यह एक्सप्रेस वे 8 महीने बनके पहले ही तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन आज यानी कि 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने करा। इसका उद्घाटन समारोह जलाऊ उत्तर प्रदेश में रखा गया था। इस एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है। ये एक्सप्रेस वे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होकर मर्ज हो रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कुर्द्रेल इटावा के पास। इस एक्सप्रेस वे की बात करें तो ये एक्सप्रेस 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रहा है, जैसे कि चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर और जलाऊ, औरिया और इटावा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चित्रकूट से बुंदेलखंड से दिल्ली जाने के लिए 700 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, जो कि 12 से 14 आवर्स लगते थे। लेकिन इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बन जाने के साथ ही अब ये 296 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेस वे की बात करें तो इसको UPEIDA ने बनाया, यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। इस एक्सप्रेस वे के अंदर 250 से ज़्यादा स्मॉल ब्रिजेस और 12 से ज़्यादा बिग ब्रिजेस हैं। इसके अंदर 15 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स और 6 टोल प्लाजाज भी हैं और 4 ट्रेन ब्रिजेस भी आते हैं। इतना ही नहीं, इस ब्रिज में 24 आवर पुलिस पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस एक्सप्रेस वे के साइड में बहुत सारी जगह रखी गई है, जो कि एक्सपेंडेबल कर दी जाएगी बाद में 6 लेन में, अगर जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हुई। इसके अंदर 4 जन सुविधा केंद्रस बनाए जाएंगे और इसके साथ ही 4 पेट्रोल पंप्स भी बनाए जा रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे के साइड से कोई जानवर या गाय इस रोड में ना आ पाए, इसके लिए साइड में वायरिंग करी गई है। और मान लीजिए अगर कोई कैटल इसके बीच में आ भी जाती है तो इसके लिए कैटल कैचर व्हीकल्स भी बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेस वे को 6 पार्ट्स में बनाया गया और इसकी कुल लागत 14,850 करोड़ आई। ये एक्सप्रेस वे 8 नदियों के ऊपर से होके गुजरता है, जैसे कि वेगन, केल, श्यामा, चंद्रवल, विरमा, जमुना, बेतवा और सेगर। इस एक्सप्रेस वे के साइड में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं, जो कि बांदा और जलाऊ में हैं। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसके साइड में बनाए जाएंगे। कुल मिला के बात करें तो ये बुंदेलखंड की तरक्की की राह को खोलेगा, लाखों लोगों युवाओं को अवसर प्रदान करेगा रोजगार का। ये एक्सप्रेस वे रिकॉर्ड 28 वीक्स में बनके तैयार हुआ है। दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस इंडियन डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड देखना चाहते हो तो हम ऐसी वीडियोस अपने चैनल पर चढ़ाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हम ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस लेके आते रहते हैं। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपने ध्यान रखें। टेक केयर। जय हिंद।